Hello friends, I Dr. Vikumar Swastav welcome all of you in the sixth lecture of this partial differential equation. So friends, आज मैं अगला topic शुरू करने वाला हूँ linear partial differential equation with constant coefficient. देखिए इसमें भी problem आता है और सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा. देखिए अभी मैंने partial differential equation constant coefficient में homogeneous linear partial differential equation लिया है और वो भी second order. ऐसे ही थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर का भी आप सॉल्व कर सकते हैं सिमिलर तरीके से. तो देखिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है. और देखिए अभी तक हमने फर्स्ट ऑर्डर सॉल्व किया जो भी लैग्रांज मेथड से सॉल्व किया. क्वेश्चन ये है कि सेकेंड ऑर्डर, देखिए सेकेंड ऑर्डर तो आपको क्लियर ही है, डी टू जेड नाउ. तो हमें ये ध्यान देना है कि होमोजीनियस क्या है. देखिए होमोजीनियस पार्शियल में अगर बात करें तो अगर ये सबका ऑर्डर, हर टर्म का ऑर्डर सेम है. देखिए ये भी डी टू है, ये भी डी टू है, यहाँ डी डी डैश है, लेकिन ये सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ही है, फर्स्ट टाइम विथ रिस्पेक्ट टू वाई और सेकेंड टाइम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये भी सेकेंड ऑर्डर है और ये भी सेकेंड ऑर्डर, इसी नाते होमोजीनियस है. यहाँ मैंने लिख भी दिया होमोजीनियस मीन्स डेरिवेटिव ऑफ सेम ऑर्डर, ईच टर्म, हर टर्म का जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा, राइट. तो अच्छा इसमें एक और चीज देखिए, इसमें नोटेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा. डेल जेड बाई डेल एक्स दैट इज डिनोटेड बाई कैपिटल टी, डेल जेड बाई डेल वाई दैट इज डिनोटेड बाई डी डैश, राइट. एक्स के रिस्पेक्ट में डी और वाई के रिस्पेक्ट में डी डैश, ये दो नोटेशन है. अब देखिए यहाँ पे डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर था, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर को हम डी टू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी स्क्वायर, राइट. यहां देखिए इसको क्या है, डेल एक्स और डेल वाई है नीचे, तो पहले डी और फिर डी डैश. यहां पे डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, तो डी डैश वाला टर्म आएगा. सेकेंड टू ऑर्डर है तो ये जाएगा डी डैश स्क्वायर, राइट. और कांस्टेंट कोफिशियंट है, इसका नाम है कांस्टेंट कोफिशियंट, मतलब ए नॉट, ए वन और ए टू, ये कांस्टेंट है. राइट हैंड साइड का जो फंक्शन होगा वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा. सो ऐसे अगर प्रॉब्लम आ गए तो इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे. इसको देखिए एक तरीके से और डिनोट करते हैं, एफ फंक्शन किसका है, डी और डी डैश का, इक्वल टू एफ एक्स वाई, ये कैपिटल है, इधर वाला मैंने लेफ्ट हैंड साइड को स्मॉल एफ से कर दिया, राइट. तो ये क्लियर है अभी, सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या. अच्छा लीनियर क्यों है, लीनियर चाहते हैं क्योंकि जो भी डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जेड, जेड और जेड के सारे डेरिवेटिव का पावर वन है, पावर वन है, ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, ऑर्डर का पावर वन. जेड और जितने इसके डेरिवेटिव हैं, देखिए डेल टू जेड वाई डेल एक्स स्क्वायर का पावर क्या है, वन, डेल टू जेड वाई डेल एक्स डेल वाई का पावर वन और डेल टू जेड वाई डेल एक्स स्क्वायर का पावर भी वन है, राइट. ऑर्डर टू है लेकिन इसकी डिग्री वन है, तो हर टर्म के अगर डिग्री सेम है तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर, राइट, डिपेंडेंट वेरिएबल का. तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन वैसे ही होगा जैसे हमने सिमिलरली सॉल्व किया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, बस इसमें क्या आ गया, डी के साथ साथ डी डैश भी आ गया, राइट. तो कंप्लीट सोल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई, ये सी एफ और पी आई वाला मेथड है. तो सी एफ आज मैं डिस्कस करूंगा, सी एफ कैसे कैलकुलेट करेंगे. सी एफ वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे आपने वहां पे सॉल्व किया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में. सी एफ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट का, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड यही है, ए नॉट डी स्क्वायर प्लस ए वन डी डी डैश प्लस ए टू डी डैश स्क्वायर, इसको हम जीरो के बराबर पुट कर लेंगे. या फिर आप ये भी कर सकते हैं एफ डी डी डैश, यही तो है, इसको हम किसका फंक्शन है, एफ डी डी डैश इक्वल टू जीरो, राइट. तो अभी देखिए, अब जैसे वहां हम पुट करते थे डी की जगह क्या पुट करते थे, एम पुट करते थे. सो वी पुट कैपिटल डी इक्वल टू एम एंड डी डैश इक्वल टू वन. सोल्यूशन किसका है, सी एफ क्या है, सी एफ इज द सोल्यूशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड. सो यू पुट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू जीरो एंड कैपिटल डी इक्वल टू एम डी डैश इक्वल टू वन, ऐसे इक्वेशन मिल जाएगा, ए नॉट एम स्क्वायर प्लस ए वन एम प्लस ए टू इक्वल टू जीरो. दिस इज इक्वल टू एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से देखिए ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है तो कितने रूट निकलेंगे, दो रूट निकलेंगे, वो कौन कौन से होंगे, एम वन और एम टू. सॉरी, अब देखिए अगर ये रूट्स
आपके डिफरेंट हैं, एम की वैल्यू अगर रूट्स डिफरेंट हैं तो देखिए ये चाहे डिफरेंट हो या फिर कॉम्प्लेक्स रूट हो या रियल हो, सबके लिए एक ही फार्मूला लगता है वाई प्लस एम एक्स, राइट। जितने रूट आएंगे, अगर एम वन एम टू आया दोनों डिफरेंट हैं तो f1 पहला फंक्शन y प्लस एम वन एक्स प्लस f2 y प्लस एम टू एक्स, मतलब y प्लस एम एक्स होगा। अगर m1 है m1 पुट कर दिया, यहाँ पे y प्लस m की जगह x, m की जगह क्या आता है m2, सो जितने रूट्स होंगे y प्लस एम एक्स करके ऐड होते चले जाएंगे अगर डिफरेंट है तो, राइट। अब अगर रूट सेम है तो क्या होगा, m1 इक्वल टू m2, दोनों रूट दो रूट आए, दोनों सेम हो गए, दोनों को मैं कॉमन मान के चला कि m के बराबर हुआ स्मॉल m, तो देखिए अगर रिपीटेड रूट है तो ऑर्डरली में क्या करते थे, x से मल्टीप्लाई करते चले जाते थे, वही सेम कंडीशन यहां भी लगाना है, f1 y प्लस एम एक्स प्लस जितनी बार रिपीट है x, f2 y प्लस एम एक्स। देखिए m की वैल्यू तो सेम ही है ना, दोनों रूट सेम है, m1 m2 दोनों m के बराबर है, तो अगर रिपीटेड है यानी सेम है तो क्या करेंगे, वो f1 y प्लस एम एक्स प्लस एक्स एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, अगर तीन बार रिपीट होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे f2 y प्लस एम एक्स, राइट। सो अब अगर इसमें कॉम्प्लेक्स भी रूट आता है तो इसमें बॉदर्ड होने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर m की m1 m2 दो रूट आएंगे आप दोनों की जगह i, i के साथ जो भी है i के साथ अपना हो जाएगा। इसमें अगले वीडियो लेक्चर में हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाले हैं, अभी मैंने इसमें पहले रियल रूट लिया है दोनों डिफरेंट लिया है, राइट। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, एग्जांपल है सॉल्व डी स्क्वायर प्लस फोर डी डी डैश माइनस फाइव डी डैश स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज करना है वेदर दिस इज होमोजीनियस आर नॉट। इट इज होमोजीनियस बिकॉज द फर्स्ट टर्म हैज ऑर्डर टू, सेकेंड टर्म हैज ऑल्सो ऑर्डर टू एंड थर्ड टर्म हैज ऑल्सो ऑर्डर टू, सो इट इज होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ वी अप्लाई दिस कंडीशन मीन्स प्रोसेस इज पुट d इक्वल टू m एंड d डैश इक्वल टू 1। जैसा कि यहां मैंने आपको बताया था d की जगह m पुट करना और d डैश की जगह 1, तो यहां क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4m और d डैश की जगह 1 ही है तो यहां पे हो जाएगा माइनस 5 इक्वल टू 0। नाउ यू कैलकुलेट द रूट, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और क्या आएगी माइनस 5, और 1 और 5 दोनों रूट क्या है रियल है और डिफरेंट है, और इसके लिए यही कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या है, f1 y प्लस एम वन एक्स प्लस f2 y प्लस एम टू एक्स, तो m1 की जगह 1 है और m2 की जगह माइनस 5, तो cf क्या हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, cf इज इक्वल टू f1 y प्लस एम एक्स प्लस f2 y माइनस 5x, राइट। अच्छा फ्रेंड्स ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका राइट हैंड साइड जीरो है, इसी नाते ये pi निकालने की जरूरत नहीं, pi ऑटोमेटिकली इसका जीरो है। सो चलते हैं इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। जैसा कि मैंने आपको बताया इसका राइट हैंड साइड जीरो है तो इसका पी आई जीरो है। हम अगले वीडियो लेक्चर में फिर ये भी आपको बताने वाले हैं कि अगर पी आई राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन आ जाता किस टाइप का फंक्शन है उस पर डिपेंड करता पी आई, तो कैसे पी आई निकालेंगे। तो इसका जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा कंप्लीट सोल्यूशन, सी एफ की वैल्यू आपने यहाँ निकाली रखी, एफ वन y प्लस एक्स प्लस एफ टू वाई माइनस फाइव एक्स, ये हो जाएगा। और pi क्या है इसका जीरो, सो जेड इक्वल टू एफ वन वाई प्लस एक्स प्लस एफ टू वाई माइनस फाइव एक्स, ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। देखिए इसी तरीके से सिमिलर प्रॉब्लम जो कॉम्प्लेक्स रूट पे आया या किस कोई और रूट पे आया, आपको कुछ बॉदर्ड होने की जरूरत नहीं, जो m1 m2 आएगा इसी दोनों फार्मूले पे ही सारे पार्शियल के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ऑर्डरनी में कुछ रूल अलग थे लेकिन पार्शियल में सिर्फ यही कंडीशन लगेगा f1 y प्लस mx वाला कॉन्सेप्ट, राइट। तो फिर अगले वीडियो लेक्चर में मैंने दो तीन एग्जांपल लिए हैं, उन एग्जांपल्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ साथ में, उसके बाद फिर मैं राइट हैंड साइड में जो एफ एक्स वाई फंक्शन लिया है ये भी अगर कोई फंक्शन हो तो उसको कैसे उसका पी आई निकालेंगे तो उसे देखेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट भी करें। अगर आपको लगता है कि कुछ और वीडियो लेक्चर की ज़रूरत है, कुछ और एग्जांपल की ज़रूरत है तो आप मुझे इन्फॉर्म करिए। उसी चैनल पे मेरा ईमेल आईडी भी लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझे मैसेज करिए, मैं और भी वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।